गाइस स्वागत है आपका वॉइस के इस नेक्स्ट चैप्टर में। फ्रेंड्स प्रेजेंट एंड डेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, पहला माना होता है एस या नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड टाइप। फ्रेंड्स अगर हिंदी की बात की जाए तो एस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड उसे कहते हैं जिस प्रश्न का उत्तर आप केवल एस या नो में ही देते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अगर पढ़ाता हूं तो एस, नहीं पढ़ाता हूं तो नो। लेकिन दूसरा, मैं क्या पढ़ाता हूं, तब इसका होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अर्थात इसका जवाब हम एस या नो में न दे करके अपने पास एक सेंटेंस में दिए हैं। तो फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, पहला एस या नो टाइप, दूसरा डब्ल्यू एच या क्वेश्चन वर्ड टाइप। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एस या नो टाइप का। फ्रेंड्स प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस जो हमारा होगा वह डज या डू से स्टार्ट होगा। तो यदि एक्टिव वॉइस डज या डू से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस इज एम आर से बनाया जाता है, आपको यह दिमाग में रखना है। पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि डज या डू के स्थान पर आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का होगा उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आप सबसे पहले इज एम आर, पुनः ऑब्जेक्ट, मेन और की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट को लिखेंगे। फ्रेंड्स आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉइस डू से स्टार्ट हुआ है, हमें करना क्या है कि डू के स्थान पर इज एम आर में से कोई एक लिखना है। लिखेंगे क्या, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हॉकी, तो हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे इज, अब पुनः एम और आर को छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हॉकी है तो हम यहाँ लिखेंगे इज हॉकी। और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। और इसके बाद क्या लिखा है यहाँ, बाई, और यहाँ आप देख रहे हैं दे दिया है तो दे का क्या होगा, देम। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट और दे का देम किस प्रकार से हो रहा है इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट से जाकर के वहां से देख सकते हैं। यदि आपको ये न समझ में आता हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसका वॉयस बनाया जाता है, ये डीपली आपको वहां बताया गया है, आप वहां से देख लें। फ्रेंड्स दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, डज सी लव मी। सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे है, डज से। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखना है कि अगर सेंटेंस में डज या डू दिखाई देगा या डज या डू से स्टार्ट होगा तो उसको हटा देना है, उसके जगह पर हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स आप देखें यहाँ डज सी लव मी, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ, मी। अब मी हमारा सबसे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से लगाएंगे क्या, तो फ्रेंड्स लगाएंगे हम एम, यानी आई के साथ एम का यूज होता है तो एम आई, और यहाँ दिया है लव। फ्रेंड्स मैं आपको पिछले वीडियोज में भी बताया हूँ कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, करेक्ट। तो यहाँ लव का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा लव्ड, और इसके बाद आप देखें स्ट्रक्चर में यहाँ क्या लिखा है, बाय, और सी है तो सी का यहाँ क्या होगा, हर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, डज राम हेल्प यू। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट यू है, अब यू को हम सबसे पहले ले आएंगे तो हमारा यहाँ यू होगा, लेकिन यू से पहले डज दिया है, डज के स्थान पर इज एम आर में से कोई एक लगाना है, अब यू के अनुसार लगाएंगे, यू हमारा प्लूरल है तो यहाँ हो जाएगा आर यू, और हेल्प हमारा मेन वर्ब है और प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स आप देखें यहाँ हेल्प का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा हेल्प्ड, और नेक्स्ट लिख देंगे बाय, और यहाँ राम का क्या होगा, राम। फ्रेंड्स अगर यहाँ राम है तो राम होगा, सीता है तो सीता होगा, गीता है तो गीता होगा, माय फादर है तो माय फादर होगा। फ्रेंड्स ये चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे, यदि एक्टिव वॉइस डज या डू से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि यदि एक्टिव वॉइस डज या डू से स्टार्ट होता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसके स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इज एम आर में से लगाएंगे क्या, यह डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को लगाएंगे। फ्रेंड्स अब आइए इसके दूसरे पार्ट पर देखते हैं कि जब हमारा एक्टिव वॉइस
डज या डू से न स्टार्ट होकर के किसी क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा गया है कि सबसे पहले आप डब्ल्यूएच को लिखेंगे या क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, दोनों एक हैं, फिर आप इजारम को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, मेन और थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट को लिखेंगे। स्ट्रक्चर सेम पहले ही वाला है, आपको करना क्या है कि इससे पहले जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसे आप लिख लेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस आप देखें, डू दे प्ले हॉकी, सेम सेंटेंस यहाँ लिखा है लेकिन उससे पहले वाई लगा दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा आप उसे लिख लेंगे। यहाँ लिखा है कि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख लिया जाता है। यहाँ वाई है तो हमने वाई को लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, डू और डज के स्थान पर इजारम का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे क्या ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी। हॉकी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इज, और पुनः यहाँ क्या हो जाएगा हमारा हॉकी, और पुनः प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा प्लेड, और उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ डज द टीचर टीच देम। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या है, हाउ है, तो आप इस हाउ को सबसे पहले लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा देम है, तो देम जब पहले आएगा तो दे हो जाएगा, और दे के साथ आप क्या लगाएंगे आर लगाएंगे, तो हाउ आर दे। और टीच का हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड टच, और पुनः क्या लिखेंगे बाय। अब यहाँ क्या लिखा है, द टीचर, तो हम यहाँ लिख देंगे द टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फ्रेंड्स एक सेंटेंस देखिए, व्हेन डू दे रिपेयर द चेयर्स। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आप देखिए हमारा डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या लिखा है, व्हेन लिखा है, तो सबसे पहले आप व्हेन को लिख लेंगे। नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है दीज चेयर्स, उसको सबसे पहले ले आएंगे, तो दीज चेयर्स के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आर, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, तो व्हेन आर, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे दीज चेयर्स, और यहाँ दिया है मेन वर्ब हमारे रिपेयर, और प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो रिपेयर का हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिपेयर। उसके बाद आप देखें स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे, और यहाँ दे दिया है तो आप क्या लिखेंगे देम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको यह बताया कि यदि एक्टिव वॉइस डज या डू से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस आप इजारम से बनाएंगे, और यदि एक्टिव वॉइस में डज या डू के पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो व्हाट वेयर व्हेन कुछ को छोड़ करके तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप उस क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे, पुनः ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।